पवनपुर नाम के गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था, जिसे हर वस्तु में बदलाव करने का बहुत शौक था, लेकिन कोई भी दांग के काम नहीं करता था और ना ही दो पैसे कमाने के बारे में सोचता था। इसलिए उनकी जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। दीपक की बूढ़ी माही बाजार में सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करने के लिए पैसे कमाती थी। बेटा, अब मुझसे बाजार में बैठना भी नहीं हो रहा है। अब तो कोई काम कर ले और अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। दीपक की माँ कभी उससे गुस्से में बात नहीं करती थी और ना कोई काम करने के लिए उस पर दबाव डालती थी, इसलिए शायद आज वो ऐसा है। माँ अपने जिंदगी में पहली बार कुछ काम करने को कहा है, मैं जरूर करूँगा। ये कहते हुए दीपक गांव में जाकर काम मांगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। तू तो सारे दिन आराम से खाकर फिरते रहते हो, तुझे मेहनत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता हूँ। ऐसे उसे उदास होकर वापस अपने घर लौटना पड़ा था। तब उसकी माँ उसके पास आकर दूसरों के पास काम मांगने के बजाय खुद का ही कोई काम शुरू करने के लिए कहती है, और खुद काम शुरू करने के लिए दीपक को थोड़े पैसे भी देती है। दीपक उन पैसों को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है, जो सिर्फ नाम का दोस्त है और अपने फायदे के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो उसका बचपन का दोस्त ही क्यों ना हो। माधव, माँ मुझे एक नया काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए हैं। तुम हमेशा मौसम और त्योहार के हिसाब से व्यापार करता है ना? मुझे भी कुछ बताओ ना, मैं कौन सा व्यापार करूं? इस गधे को व्यापार करने के लिए पैसे कैसे दिए हैं मौसी ने? जो भी हो, अब ये मेरे पास आ गया है तो मैं इसका फायदा उठाता हूँ। इस बार मैं दिवाली पर पटाखों के दुकान लगा रहा हूँ और वही सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तू चाहे तो मैं तेरे लिए भी लेकर आऊंगा। दीपक को पटाखों का व्यापार अच्छा लगा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे अपने दोस्त को सारे पैसे दे देता है। माधव पटाखे तो खरीद कर लाता है, लेकिन सारे अच्छे और बड़े पटाखे खुद रख लेता है और ना फटने और छोटे छोटे पटाखे दीपक को देता है। ऐसे चालाक और धोखेबाजी से अनजान दीपक अपने दोस्त माधव से सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरे वाले पटाखे ऐसे क्यों है और तुम्हारा इतने अच्छे क्यों है? तुमने जो पैसे दिए थे उसमें से पटाखे आने ही बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जैसे तैसे करके खरीद कर लाया हूँ। अब इनका जो करना है करो, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए माधव वहाँ से चला जाता है और दीपक ये बात समझ जाता है कि माधव ने उसके साथ गलत किया है। अब मैं क्या करूँ? अगर माँ को बताऊँ तब भी शायद वो मुझ जैसे नालायक और आलसी बेटा का विश्वास नहीं करेगी। ये सोचकर परेशान होता हुआ दीपक अपना पटाखा लेकर जंगल में नदी के पास फेंकने के लिए जाता है। वहाँ पर नदी में ढेर सारे मुर्गी के खिलौने बहते हुए जा रहे थे। उन्हें ऐसे बहते हुए कुछ देर देखने के बाद दीपक के अंदर के कलाकार को एक अच्छा उपाय सूझता है और वो तुरंत नदी में उतार कर उन खिलौनों को इकट्ठा करने लगता है और उन सारे मुर्गी के खिलौने और खराब पटाखों को अपने साथ लेकर जाता है और दो दिन तक मेहनत करके दिवाली के दिन शाम को अपनी एक पटाखों की दुकान लगाता है। भैया, आप पटाखों के दुकान लगाकर मुर्गी के खिलौने क्यों बेच रहे हो? ये मुर्गियाँ ही पटाखे है बेटा, ये वाले रॉकेट है और ये वाले मिर्ची। अगर विश्वास नहीं करोगे तो मुफ्त में लेकर जला कर देखो। ये कहते हुए दीपक उस बच्चे के हाथ में
एक मुर्गी देता है और उसकी पूंछ में आग लगाने को कहता है। वो बच्चा ऐसा ही करता है और वो मुर्गी आसमान में रॉकेट की तरह उड़कर जाकर फट जाती है। वो बच्चा खुश होकर जाकर अपने सारे दोस्तों से ये कहता है। ऐसे सब लोग दिवाली के सारे पटाखे दीपक से ही खरीदते हैं और माधव की दुकान वैसे की वैसे ही रह जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात जानने के लिए माधव बाजार में घूमकर देखता है। तब उसे दीपक की दुकान नजर आती है। माधव कैसे हो मेरे दोस्त, तुम्हें भी पटाखे चाहिए? मेरे सारे पटाखे खत्म हो गए हैं। ये मैंने अपने लिए बचा कर रखे हैं। मुझे तो मेरे 5,000 के बदले में मुझे 70,000 का मुनाफा हुआ है। ये कहते हुए दीपक अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद माधव उदास होकर अपने आप में, मैंने उसे धोखा दिया है लेकिन फिर भी वो खुश है। मैंने 50,000 का खर्चा किया है, वो बर्बाद। इतने दिनों की मेहनत बर्बाद। आज के बाद फिर कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। ये कहते हुए माधव वहाँ से चला जाता है। दीपक अपनी माँ के साथ अच्छे से दिवाली मनाता है और अपने हर व्यापार में अपनी कला से उसे बेहतर बनाकर कुछ ही दिनों में धनवानों की संख्या में आ जाता है। हरिदास ने कुछ दिन पहले अनजाने में एक बूढ़ी जादूगरनी की मदद की थी। उस बात से खुश होकर वो जादूगरनी ने उसे एक जादुई गाय दी थी जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता था। वैसे हरिदास किसी की मदद करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए एक गलत आदमी के हाथ में एक और गलत चीज पड़ गई थी। क्योंकि हरिदास की बुद्धि ही ऐसी है कि वो उस गाय से अपना भला करने के बजाय लोगों को कैसे सताना है ये सोच रहा था। दिवाली आ गई है, इस बात की खबर लोगों तक पहुंचानी तो पड़ेगी ना। तभी हरिदास अपनी गाय के पीठ पर दो बार थपथपाता है। तभी उस गाय के मुंह से कुछ पटाखे निकलकर लोगों के बीच में जा गिरते हैं और फट जाते हैं। सारे लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और हरिदास उन्हें देखकर मजे लेते हैं। तभी उसे ऐसे हंसते हुए एक आदमी देख लेता है और उसके पास आता है। हरी, ये तेरी ही हरकत है ना? सच बता, सब डर रहे हैं और तू मजा ले रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो परनी भाई आप? मैं बेचारा चुपचाप अपने गाय को तालाब के पास लेकर जा रहा था, तुम सब बंदरों की तरह उछल रहे थे। वो देखकर मेरी हंसी छूट गई। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? ये कहते हुए हरिदास वहाँ से अपनी गाय को लेकर चला जाता है। उस आदमी के पास तो साबुत नहीं था, इसलिए परनी भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अरे वाह, काफी मजा आया है मुझे आज। ऐसे ही आज शाम को भी करूँगा। बड़ा मजा आने वाला है। शाम के वक्त हरिदास अपनी गाय को लेकर बाजार में जाता है और वहाँ पर लोगों को देखकर, कितने बोरिंग है ये लोग, कोई दिवाली ऐसे मनाता है क्या? अभी इनका जोश बढ़ा देता हूँ। ये कहते हुए हरिदास उसकी पीठ पर थपथपाते ही उस गाय के मुंह के अंदर से रॉकेट निकलते हैं और लोगों के बीच में जाकर फटने लगते हैं। लोग सुबह की ही तरह इधर से उधर धरकर भाग रहे थे। तभी उसे ऐसे करते हुए परनी देख लेता है। मुझे पहले से ही शक था कि इसके पीछे जरूर तेरी ही हाथ है। आओ साथियों, इसे सबक सिखाते हैं। तुम लोग मुझसे दूर ही रहो, इसी में तो तुम सबका भलाई है। ये गाय सिर्फ पटाखे ही नहीं और भी बहुत कर सकती है अपने मुंह से, इसीलिए चुपचाप चले जाओ मेरे पास से। ये गाय कहाँ से आई है इस बात का पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा। ये कहते हुए
परनी भी वहाँ से जंगल में चला जाता है। बहुत देर तक जंगल में घूमने के बाद उसे वहाँ पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है। परनी उसके पास जाकर, इतने अंधेरे में आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा तो यही घर है बेटा, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और परेशान भी लग रहे हो। परनी बूढ़ी औरत को हरिदास के बारे में सारी बात बताता है। सब सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसे वो गाय देने वाली वही है। मुझे पता नहीं था कि वो उस गाय का ऐसा इस्तेमाल करेगा। वहाँ पर एक बोतल में पानी रखा है, उसे ले जाओ और गाय के ऊपर डाल दो, उसके बाद वो गाय साधारण गाय बन जाएगी। उसे वो गाय देने वाली वही है। परनी वो बोतल को लेकर गांव में चला जाता है। वहाँ पर हरिदास अब भी लोगों को परेशान कर रहा था उस गाय में से पटाखे निकलते हुए। तभी परनी चुपके से पीछे से जाकर उस गाय पर पानी डाल देता है। उसके बाद उस गाय में से पटाखे निकलना बंद हो जाते हैं और वो एक साधारण गाय बन जाती है। उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर उसे खूब मारते हैं और हरिदास को एक रॉकेट से बांध करके उड़ा देते हैं। हैप्पी दिवाली दोस्तों।